हेलो फ्रेंड्स, आज मैं व्रत के लिए साबूदाना और आलू का टेस्टी अप्पे बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने व्रत की चटनी भी बनाई है। ना ही साबूदाना घंटों भिगा के रखने की जरूरत है और ना ही आलू उबालने की, तो ये रेसिपी बड़ी झटपट तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लगभग 200 ग्राम साबूदाना लिया है, इसका हमें पाउडर बना लेना है। साबूदाने को मैंने पीस लिया है और इसे एक बर्तन में डालकर हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो इसमें पानी मिलाते हुए हम इसका पतला घोल बना लेंगे। हो सके तो साबूदाना का एकदम फाइन पाउडर बना लीजिए, इससे आपका साबूदाने के जो अप्पे हैं बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अभी ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें हम थोड़ा और पानी मिला देते हैं और इसका एक पतला घोल तैयार कर लेंगे। हमें इस बैटर को थोड़ी देर, कम से कम 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के लिए रखना होगा, क्योंकि ये साबूदाने का पाउडर है तो ये अच्छे से फूल जाएगा। तब तक हम अपने व्रत की चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रोस्टेड मूंगफली ली है, मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डाल दी है, इसे इस तरह तोड़ करके डाल दिया है। अब बारीक कटी हुई धनिया भी डाल देंगे। मैंने इसमें 1/3 चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी व्रत की तीखी तीखी चटनी तैयार है। आप चाहे तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। इस तरफ मैंने आलू को छील लिया है, अब इसे ग्रेट कर लेंगे। इसे पीसने के लिए बारीक वाले ग्रेटर का ही यूज करिएगा। देखिए, हमें आलू को इस तरह बारीक बारीक ही पीसना है। तो अब 20 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि हमारा जो साबूदाने के पाउडर का घोल है वो अब कैसे फूल चुका है। तो हमें इसे थोड़ा सा पानी डालकर पतला कर लेना होगा। मैंने इसमें थोड़ा पानी डालकर पतला कर लिया है। अब हम अपने इसमें पीसा हुआ आलू डाल देंगे, एक टमाटर जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है इसे भी ऐड कर देंगे, 2 हरी मिर्च है इसे भी मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है, बारीक कटी हुई हरा धनिया डाल देंगे। अब डाल देंगे इसमें लगभग 1 चम्मच नमक, या आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसमें 1/3 चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर, 1/3 चम्मच जीरा पाउडर, आप यहाँ पे जीरा साबुत भी डाल सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपका बैटर गाढ़ा लगता है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, मगर हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए साबूदाना के अप्पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अप्पे पैन को मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है और इसके सभी खानों में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इसे अच्छे से चारों तरफ फैला लिया है। अब अप्पे पैन के सभी खानों में हम 2-2 चम्मच बैटर डाल देंगे। अब इसे कवर करके हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम सारे अप्पे को इस तरह से पलट लेंगे और नीचे से भी इसे हम अच्छे से पका लेंगे। तो पलटने के बाद मैंने इसे नीचे से भी अच्छे से पका लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे से भी ये कितने अच्छे से पक चुका है। तो देखिए कितने गोल फूले फूले अप्पे बने हैं। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से और झटपट साबूदाना के अप्पे बने हैं और ये कितने अच्छे और फूले फूले बने हैं। इसे किसी भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।